ये जो इंडक्शन मीट प्रोग्राम था, ये हमारा इसलिए था कि बच्चे जान पाएँ अपने कोऑर्डिनेटर्स को, कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन है, चीफ कोऑर्डिनेटर कौन है, प्रिंसिपल्स कौन है, और एक ओवरव्यू उनको पता चले कि यूनिवर्सिटी का, ओरिएंटेशन की तरह कि जी हम उनको ओरिएंट कर रहे हैं कि किस किस इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उनको फैसिलिटीज़ मिल सकती है, और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों के से. इट इज़ बोथ वेज कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और अगर वो हमें बता सकें कि जी इन आगे आने वाले दिनों में जब वो कोर्सेज लेते हैं तो उनको पता चले कि जी क्या मिसिंग है इधर. सो वी वॉन्ट दैट दे शुड कम अप. हाँ, इट इज़ अ ओपन प्रोसेस वेयर दे शुड ऑल्सो कम एंड टेल अस कि जी हाँ, ये नहीं है कि वी आर नॉट क्लोज टू द आइडियाज़, कि बच्चे अगर कुछ बोलते हैं, अगर वो जेन्युइन डिमांड है, हमें लगता है कि जी क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नहीं है तो हमें ऑब्वियसली नई चीज़ों को केटर करना पड़ेगा, और जो आजकल के आइडियाज़ हैं इन यूनिवर्सिटी सिस्टम में वो हमें इम्बाइब करने पड़ेंगे. तो बच्चों से भी ये दो टू वे प्रोसेस होता है हमेशा कि इट्स नॉट ओनली कि जी हमारा एक्सपीरियंस होता है और बच्चों की वो होती है कि व्हाट आर द न्यू थिंग्स व्हिच हैव कम अप. तो अगर डिमांड्स अच्छी होंगी और सही होंगी तो हम यकीनन उनको देखेंगे कि मैम क्या ये क्या कोर्स कब से शुरू हो रहे हैं, खासकर ये अब हमारी कोर्स क्लासेस इनकी 16 से शुरू हो जाएंगी इन बच्चों की. हाँ, एंड दे विल स्टार्ट कमिंग. तो आज हमने शुरुआत कर दी, अब ये अपने अपनी क्लासेस में 16 तारीख से जाना शुरू हो जाएंगे. अभी हमारी बिल्डिंग्स कुछ कुछ तैयार नहीं हुई हैं, रेडी नहीं हैं. फिलहाल हम कॉलेज की बिल्डिंग्स में उनका कर रहे हैं क्लासेस, बट इन अनदर प्रोबेबली 2 मंथ्स हमारी मूवमेंट हो जाएगी टू द न्यू क्लासरूम्स विच आर देयर.